हाय एवरीवन, माय सेल्फ योगेश ध्रुवे, आप सब लोगों का वीडियो में मैं स्वागत करता हूं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है दोस्तों। यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप में आना चाहते हैं, जल्दी इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं, जल्दी आप इस बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि साथियों, आप सब लोगों को पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका टीम। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा टीम तेज़ी से बने ताकि मैं जल्दी से जल्दी अपने सपनों को पूरा कर लूँ। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता नहीं है हर किसी के साथ में, क्योंकि हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी काम को करते नहीं हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक आप लोग जरूर देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे आल को क्लिक कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के हर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, प्लान दिखाने से पहले पूछ लें यह तीन जादुई सवाल। यदि आपने प्लान दिखाने से पहले तीन ऐसे सवाल यदि आपने सामने वाले से पूछ लिए तो 100% ज्वाइनिंग की गारंटी है। तो तीन सवाल कौन से सवाल हैं, मैं वन बाय वन करके आपको बताने जा रहा हूं। पहला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, एट दिस टाइम व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इस समय आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान दीजिएगा। अब उसको चार ऑप्शन देना है दोस्तों सामने वाले को। पहला, मनी, कैरियर, हेल्थ या रिलेशन। पहला क्या, मनी, कैरियर, हेल्थ और रिलेशन। थोड़ा वो चिंतन करेगा कि इसमें से चार में से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। तो अक्सर करके दोस्तों 99% लोगों का जवाब आता है मनी। क्या आता है मनी जवाब आता है दोस्तों? मनी। कुछ ही लोग होते हैं जो कैरियर, हेल्थ और रिलेशनशिप बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि कोई पर्सन ये भी बोल रहा है कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट कैरियर है, तो उसको बोलिए सर पैसा रहेगा तभी तो आपका कैरियर बनेगा, है कि नहीं। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि मेरे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो सर आपको पता है कि पैसा से ही हेल्थ बनाया जा सकता है, ये सर नो। यदि कोई व्यक्ति बोलता है कि रिलेशनशिप, तो उसको भी बोलिए सर पैसा से आप अच्छा कैरियर भी बना सकते हो, अच्छा हेल्थ भी बना सकते हो और एक अच्छा रिलेशनशिप भी बना सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज के डेट में बाप बड़े ना भैया सबसे बड़े रुपया। एक कहावत आपने सुना होगा, एक शायरी आपने सुना होगा, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, और पराए भी अपने होते हैं जब पैसा पास होते हैं। ये आपने सुना होगा दोस्तों अक्सर करके। तो साथियों, जब आदमी के पास पैसा होता है तो रिलेशनशिप ऑटोमेटिक डेवलप हो जाता है, कैरियर ऑटोमेटिक बन जाता है, हेल्थ ऑटोमेटिक आ जाता है मेरे दोस्त। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर व्यक्ति का जवाब आता आएगा दोस्तों मनी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये करना है, व्हाई, आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है, आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है। तो सामने वाला बोलता है दोस्तों घर बनाने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने मां बाप को अच्छी जिंदगी देने के लिए, अपने बीबी बाल बच्चों को अच्छी लाइफ देने के लिए, है कि नहीं। पैसा आपके लिए क्यों जरूरी है? यदि दूसरा सवाल आपने ये कर दिया कि आपके लिए पैसा क्यों जरूरी है, सामने वाले का जवाब आएगा मेरे दोस्त अच्छा घर बनाने के लिए, अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, अपने मन पसंद का कपड़ा पहनने के लिए, अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देने के लिए, बीवी वाले बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन आपको क्या करना है, थर्ड क्वेश्चन ये है, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो। अब सामने वाला व्यक्ति कुछ देर के लिए वो सोचेगा, सस्पेंस में रहेगा
यदि आपने थर्ड सवाल आपने कर दिए, क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ तो, है कि नहीं? ये तीन जादुई सवाल आपने कर दिए, पहला कि इस समय आपके लिए क्या जरूरी है, मनी, कैरियर, हेल्थ या रिलेशनशिप, दूसरा यदि सामने वाला व्यक्ति बोलता है पैसा, तो आपको सेकंड क्वेश्चन करना है कि पैसा ही क्यों क्यों जरूरी है, और तीसरा सवाल है क्या होगा अगर ऐसा नहीं हुआ, क्या होगा यदि आपके सपने पूरे नहीं हुए, क्या होगा यदि आप अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाओगे, तो क्या होगा यदि आप अपने बीबी वाले बच्चों को अच्छी जिंदगी नहीं दे पाए, तो क्या होगा यदि आप अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो कैसा महसूस करोगे आप, तो चिंतन में पड़ जाएगा। दोस्तों ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल यदि सामने वाले से कर दिए, अब आपको लास्ट में बताना है कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं तो, कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं तो सामने वाला बोलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि दोस्तों हर व्यक्ति के सपने होते हैं, बशर्ते सपने देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सोचने से सपने पूरे नहीं होते हैं, सोचने से सिर्फ सपने आते हैं, हकीकत में पूरे नहीं होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है, इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास में गाड़ी हो, घर हो, बंगला हो, सब चाहता है, लेकिन होता नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों उसको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है और वो प्लेटफॉर्म मिल नहीं पाता है। यदि आपने कह दिया कैसा होगा अगर मैं इसका सॉल्यूशन दे दूं तो, सामने वाला बोलेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको बोलना है दोस्तों कि देखिए सर, मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूं, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिसकी जानकारी मैं आपको 10-15 मिनट में नहीं दे सकता हूं, आपको टाइम निकालकर जूम में आना है। अब आपके अपलाइन के द्वारा प्लान प्रेजेंटेशन का जो भी टाइमिंग है, उस टाइमिंग में दोस्तों आप उसको बैठा दीजिए। इसके बारे में, इसका जो सॉल्यूशन मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन आपको टाइम निकालकर आना होगा शाम को 5:30 बजे, शाम को 7 बजे, 8 बजे, जब भी आपका जो जूम सेशन रहता है, यानी प्लान प्रेजेंटेशन का जो टाइमिंग रहता है, वो टाइमिंग आप दे दीजिए। सर यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास में एक अच्छा सा घर हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास में एक अच्छा सा मकान हो, यदि आप चाहते हैं कि मेरे पास में एक अच्छा सा गाड़ी हो, यदि आप चाहते हैं अपने सपनों को पूरा करना, यदि आप चाहते हैं अपने माँ बाप को अच्छी जिंदगी देना, यदि आप चाहते हैं अपने बीवी बाल बच्चों को अच्छी लाइफ देना, यदि आप चाहते हैं एक्स्ट्रा इनकम, तो आप इसका सॉल्यूशन जानने के लिए शाम को जूम सेशन पे आप आ जाइए। जब भी आपका प्लान का प्रेजेंटेशन रहता है उसमें आप लेके आ जाइए, 100% वो व्यक्ति आपके साथ आएगा, प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुनेगा, और यदि वो व्यक्ति 100% प्लान को सुन लेता है तो वो व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस में ऑटोमेटिक ज्वाइन करेगा, बिजनेस एसोसिएट बनेगा, बिजनेस पार्टनर बनेगा। तो दोस्तों ये तीन जादुई सवाल आपको करना है, यदि ये तीन जादुई सवाल आपने कर लिए, मैं ये तीनों चीजों का अपने टीम में दोस्तों इंप्लीमेंट किया हूं, तीन सवाल मैं लोगों से करता हूं और उसका रिजल्ट मेरे को भरपूर मिल रहा है, यदि आप भी करेंगे तो आपको भी इसका रिजल्ट मिलेगा। इसी प्रकार के नए नए वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे आल को क्लिक कर लेना, ताकि इसी प्रकार के, इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने वीडियो को ध्यान से सुना।